नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूजा। स्वागत है आपका प्रेगनेंसी टिप्स एंड इन्फॉर्मेशन की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आम मार्केट में आ चुका है। आम के जो शौकीन होते हैं उनकी कमी नहीं है, हर किसी को आम पसंद होता है। लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो क्या प्रेगनेंसी के दौरान आम खाना सेफ होता है? अगर सेफ है तो इसके क्या क्या फायदे आपको मिलेंगे? और सबसे खास बात कि किन गर्भवती महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान आम का सेवन बिल्कुल नहीं करना है, ये सारी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। जानने के लिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले तो दोस्तों बता देती हूँ कि आम जो है प्रेगनेंसी के दौरान आप खा सकते हैं, इसे खाने में कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई परहेज आपको नहीं करना चाहिए। आम में जो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं वो होते हैं विटामिन। इसमें भी विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B6 जो होता है वो आम में पाया जाता है। और ये सारी चीजें जो होती हैं ये गर्भावस्था के दौरान गर्भ में पल रहे शिशु के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। इसके अलावा इसमें फॉलिक एसिड होता है, पोटेशियम पाया जाता है और भी बहुत सारे पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं। तो इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान आम का सेवन करना चाहिए। अगर आपकी इम्यूनिटी कमजोर है तो आम इसमें आपको बहुत ज्यादा फायदा कर सकता है। इतना ही नहीं, ये जो है आपके गर्भ में पल रहे शिशु के लिए काफी ज्यादा गुणकारी होगा, क्योंकि इसमें विटामिन ए होता है, विटामिन B6 होता है। ये गर्भ में शिशु के विकास के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होते हैं। लेकिन लिमिट में अगर आप इसे खाते हैं, क्योंकि अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान ज्यादा मात्रा में आम का सेवन लेंगे तो इससे आपको दस्त हो सकते हैं, डिहाइड्रेशन हो सकता है, सिर चकराना, उलझन होना और आपकी जो मनोदशा है वो कहीं ना कहीं अस्थिर भी हो सकती है। इसलिए आम का सेवन आप करिए, लेकिन आप इसे लिमिट में खाइए, यानी कि आप प्रेगनेंसी के दौरान एक दिन में एक आम ही खा सकते हैं, इससे ज्यादा आम आपको नहीं खाना है। अब कौन सी वो गर्भवती महिलाएं हैं जिनको प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल भी आम का सेवन नहीं करना है? तो देखिए दोस्तों, जिन गर्भवती महिलाओं को जेस्टेशनल डायबिटीज प्रेगनेंसी के दौरान हो जाती है, यानी कि उनका शुगर लेवल हाई रहता है, उन लोगों को इस दौरान आम का सेवन नहीं करना है, क्योंकि आम में शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है। और इतना ही नहीं, जो महिलाएं प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन कर रही हैं उन महिलाओं को भी प्रेगनेंसी के दौरान आम का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें कैलोरी की मात्रा भी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये आपका बेवजह का मोटापा भी बढ़ा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको कहीं ना कहीं एक्जिमा की प्रॉब्लम हो रही है, दाद खाद या फिर स्किन रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ हो रहे हैं, तो इस दौरान आपको आम का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर प्रेग्नेंट महिला को इस दौरान गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्या अगर आपको है तो इस दौरान आपको आम का सेवन नहीं करना है, क्योंकि ये आपके पेट संबंधी समस्याओं को बढ़ा सकता है और आपको कहीं ना कहीं दस्त और लूज मोशंस लग सकते हैं। तो इसलिए जिन महिलाओं का पेट खराब रहता है, जिन महिलाओं का मोटापा है, जिन महिलाओं को शुगर की प्रॉब्लम है, उन महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान आम का सेवन नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैंने यही फोकस किया है, यही बताने की कोशिश की है कि किन महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान आम का सेवन नहीं करना है। आम वैसे तो प्रेगनेंसी के दौरान आपको अच्छी खासी कैलोरी दे सकता है, काफ़ी एनर्जेटिक रख सकता है। जैसे कि प्रेगनेंसी का जिनका नवा महीना चल रहा है, तीसरी तिमाही चल रही है, उस दौरान अगर आपको काफ़ी ज़्यादा थकान रहती है, इनएक्टिव अगर आप फील कर रही हैं, एनर्जेटिक नहीं फील कर रही हैं, तो आम का सेवन करिए। लेकिन ये सारी जो कंडीशन मैंने आपको बताई है, ये अगर आपको नहीं है तो ही आप प्रेगनेंसी के दौरान आम का सेवन करिए। तो होप सो दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।